नमस्ते। गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर में सुरक्षा कर्मियों पर हमले के आरोपी मुतरजा अहमद अब्बासी से लखनऊ में जांच एजेंसियों की पूछताछ जारी है। अभी तक की जांच में एजेंसियों को कई पुख्ता सबूत हाथ लगे हैं। जांच एजेंसियों का दावा है कि मुतरजा दिमागी रूप से बीमार तो नहीं, बल्कि वह सातिर है। उसने $28 में विदेशी सिम कार्ड भी खरीदा था। इसी नंबर और चैट बॉक्स के जरिए वह ISIS जैसे आतंकी संगठनों के संपर्क में था। ATS के अफसरों का मानना है कि वह सॉफ माइंडेड है। IIT से केमिकल इंजीनियरिंग करने के बाद इस्लाम को लेकर उसका ब्रेन वॉश किया गया। अब तक की जांच में उसने सुरक्षा एजेंसियों के सामने कई चौंकाने वाले खुलासे किए। न्यूज एजेंसी से बातचीत के दौरान मुतरजा बहुत खतरनाक मसूबों के साथ गोरखनाथ मंदिर पहुंचा था। अगर वह अपनी साजिश में कामयाब हो जाता तो बड़ी घटना होती, कई लोगों को निशाना बनाया जा सकता था। उन्होंने कहा कि हमारे जवानों ने बहादुरी के साथ धैर्य का परिचय दिया। वह धारदार हथियार से लैस था, इसीलिए गोली नहीं चलाई। जवान गोली चला देते तो आम लोगों को भी लगने का खतरा रहता। ADG अखिल कुमार ने बताया कि हम सुरक्षा इंतजामों का रिव्यू कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि गोरखनाथ मंदिर के गेट पर ही बुलेट प्रूफ पोस्ट लगाई गई। साथ ही उन्होंने कहा कि जवानों को ट्रेनिंग दिए जाने की जरूरत है। अखिल कुमार का मानना है कि इस घटना से हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है। इस घटना के बाद हम अपनी कमियों को दूर कर सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद करने में लगे हैं। जांच में पता चला कि अहमद मुर्तजा अब्बासी सोशल मीडिया पर भी एक्टिव था। ट्विटर पर वह पर सीरिया कैंप में शरणार्थी मुस्लिम विस्थापितों की सहायता के लिए बनाए गए अकाउंट को फॉलो करता था। जांच एजेंसियों के दौरान उसके पर्स में नेपाली करेंसी भी मिली है। जांच टीम को मुतरजा में लैपटॉप में सीरिया और ISIS से संबंधित कई वीडियो भी मिले हैं। ये सभी लैपटॉप में डाउनलोड थे। रात भर की पूछताछ में जांच टीम में मुतरजा अब्बासी के ग्रुप का नाम भी पता चल गया। दोस्तों, अधिक जानकारी के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। लाइक सब्सक्राइब तथा शेयर जरूर कीजिएगा।